हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं किचन में। हम किचन में बनाने वाले हैं अंडे का सालन। सो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, मैंने ये प्याज काट ली है। अब ये प्याज डालेंगे। तो ऑयल हमारा पूरा गर्म हो चुका है तो हम प्याज डाल देंगे। प्याज डाल देंगे तो प्याज में हम अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। प्याज को हम पिंक होने देंगे तो अच्छी तरह भूनेंगे, ठीक है। और इस सालन में प्याज ज़्यादा ही डलती है क्योंकि ये प्याज का ही सालन होता है। इसमें प्याज होगी और अंडे होंगे तो ये अंडे का सालन है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, ठीक है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर अंडे इसमें डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से फेंट लूँगी। और यहाँ पर हमारी प्याज हो गई, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब इसको हम चलाते हैं। प्याज हो गई तो हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे, सब मसाले डाल देंगे, ठीक है। गैस को थोड़ा मैं फुल करती हूँ, स्लो कर दिया था। इसमें अंडे हम तोड़ देते हैं, अच्छे से इसको हल कर लेंगे। और उसमें सारे मसाले भी डाल देंगे, ठीक है। तो किसी ने कमेंट्स किया था कि मैं सो बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो अभी मैं नहीं बोलूँगी। अब जो बात होगी डायरेक्टली बात ही करूँगी। और वैसे मैं ज़्यादा बात करती भी नहीं हूँ, मेरी जो बात होती है मैं वही करती हूँ, ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं देती। लेकिन किसी ने कमेंट्स में बोला मैं सो ज़्यादा ही कुछ बोल देती हूँ, तो हर किसी की आदत होती है, इसलिए अब मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। आज से आपको ये नहीं मिलेगा सुनने के लिए, डायरेक्टली बात करूँगी और जो बात होगी वही करूँगी। किसी को मेरी वीडियो बोरिंग लगती है तो ना देखें, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं है। जिसको शौक है वो देखे, किसी को शौक नहीं है वो ना देखे। मैं किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि मेरा चैनल जाके आप लोग मेरे चैनल पे जाएं और मेरी वीडियो ज़रूर देखें। मेरी जो आदत है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, मेरी आदत है वो तो मैं बोलूँगी। और इंसान जो आदत से मजबूर होता है उसके मुँह में वो आता ही है। तो यहाँ पर मैंने, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर अंडे जो हैं वो मैंने तोड़ लिए हैं। अब इसको अच्छे से मैं फेंटूँगी और इसमें मसाले भी ऐड करूँगी, ठीक है। तो अच्छे से हम हल करेंगे। इसमें हम डालेंगे ये जीरा पाउडर है, इसको हम डालेंगे, आधा चम्मच डालेंगे। और हल्दी पाउडर डालेंगे, ये भी आधा चम्मच डालेंगे। और ये पीसी हुई लाल मिर्च है वो इस तरह से आप लोगों को नज़र आ रही होगी। फ्रेंड्स, ये जितनी है मैं इतनी डाल रही हूँ। और धनिया भी डालेंगे। और वहाँ पर दूध भी हो रहा है मेरा। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं सारे, तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर जो मैंने अंडे रखे हुए वो मैं फेंट लेती हूँ अच्छे से। आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, हर इंसान ने एक आदत होती है, ठीक है। किसी के मुंह में ज़्यादा तो होता है तो किसी के मुंह में ज़्यादा सो होता है, वरना बात कंप्लीट होती नहीं। वो किसी भी बस आदत से मजबूर होता है ना। तो ठीक है, आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है मैं ये बोलती हूँ, और आप लोग ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं। तो अगर आप लोग बोर होते तो आप लोग मेरा चैनल ही ना देखें। जो बोलते मैं उनको बोल रही हूँ, वैसे बहुत से प्यार करने वाले भी हैं उनको नहीं बोल रही, लेकिन जो लोग मेरी ये बात सुन सुन के बोर होते मैं उनको बोल रही हूँ। मेरी आदत है, मैं तो बोलती हूँ, लेकिन आप लोग का चलो ये भी मैं आप लोग की मान लेती हूँ बात। अब मेरे मुंह में आप लोग नहीं सुनोगे, मैं डायरेक्टली बात करूँगी, ठीक है। हर किसी के मुंह में कुछ ना कुछ बात होती है, वो उसी बात से शुरू करता है। कोई अगर करता है, कोई क्या करता है, कोई तो बोलता है, कोई सो बोलता है। कुछ ना कुछ बात करने से पहले उसके मुंह में कुछ ना कुछ लफ्ज़ आ जाता है, फिर बात शुरू होती है। तो ये इंसान की आदत होती है, मेरी भी आदत है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो चलिए, आप लोग ने अगर आप लोग मुझे बोल रहे हैं कमेंट्स में कि आप नहीं बोलो, तो मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। कल कमेंट्स में आप लोग ये मत बोलना कि तो मत बोलो, हम लोग तो भी सुन के बोर हो रहे हैं। ये इंसान क्या करे, नहीं हूँ ना, अभी तक बना नहीं है। अन्ना भी आके यहाँ खड़ी हो गई है, इसके पापा आ गए हैं। आज अंडे, सर्दी के मौसम में अंडे का सालन तो खाना ही चाहिए। वैसे गर्मी में हम लोग नहीं बनाते, गर्म होते हैं अंडे, लेकिन हाँ अक्सर इंसान की ये भी आदत होती है, लेकिन लेकिन करके बात शुरू करते हैं। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ है, कुछ ना कुछ बोलता है, हर इंसान की अलग आदत होती है। हम किसी की आदत चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप लोगों ने कमेंट्स में बोला, मैं आपकी ज़रूर बात मानूंगी, ठीक है। सो आप लोग भी माइंड मत करना कि मैंने इतना कुछ बोल दिया आपके कमेंट्स के लिए। तो मैं मुझे आपको जवाब देना था, इसलिए मैंने कह दिया है माइंड मत करना। आपने मुझे बोला है तो अब मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरा मसाला अब अच्छे से भून जाएगा, इसमें ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो मैं ये अंडे इसमें डाल दूँगी, ठीक है। अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी ये जैसे कि ऊपर ऑयल आ गया है, इसका मसाला अच्छे से भून गया है। अब अंडे डालूंगी मैं, तो और अच्छे से पहले भून देती हूँ। और इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं, नमक भी डाल दिए इसमें। इसको अच्छे से भूनेंगे और इस पर रोटियाँ बनेंगी, ठीक है। इस पर रोटियाँ बनेंगी और देखो, मैं अपनी खाने की अपनी तारीफ करती हूँ, करनी भी चाहिए। तारीफ करने में कुछ वो नहीं होता है, तारीफ करनी चाहिए, हर किसी की भी करनी चाहिए, खुद की भी करनी चाहिए। कोई करे ना करे, खुद की खुद कर ले, दिल खुश हो जाता है। बाकी ये है कि आप लोग कुछ भी ये वीडियो तो देखते हैं ना मेरी कंप्लीट, तो जैसे कि आप लोग कंप्लीट वीडियो देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत खुशी भी होती है, भले कैसे भी कमेंट्स करते हैं, लेकिन करते तो हैं ना, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो ऐसे ही कमेंट्स किया करें तो मुझे भी लगे कि हाँ मेरी वीडियो सब देखते हैं। इसको अच्छे से भून लिया, अब इसको हम इसमें डालेंगे अंडे, ठीक है। इसमें हम अंडे ऐड करेंगे, इसको निकाल लेते चम्मच को, अंडे डाल लीजिए, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे, अच्छे से ये हो जाएगा, इसके बाद हम इसको हल करेंगे, पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। सर्दियों के मौसम में ऐसे अंडे के सालन या फिर वो जो क्या कहते हैं सूप वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, सर्दी के मौसम में ये सब कुछ बहुत ही मज़ा करते हैं रात के टाइम में। वैसे भी आज तो इतनी सर्दी लग नहीं रही थी मुझे, आप लोगों का तो पता नहीं है, आप लोगों को शायद लग भी रही होगी। इसको थोड़ी देर नहीं चलाएंगे, ठीक है, इसको हम बंद कर लेते हैं थोड़ी देर। अब ये मौसम है सर्दी का, तो सर्दियों के मौसम में ऐसी चीज़ें खाना बहुत ही अच्छा लगता है।
और हाँ, आप लोगों ने ये भी बताना है कि मैंने जो कल सूट पहना था, जिसका दुपट्टा अभी भी पहना हुआ है मुझे, आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरा सूट आपको कैसा लगा? ये इसको हम थोड़ी देर रख देते हैं। यहाँ पर अब सालन को अच्छी तरह से मिला देंगे, मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने से पहले जो हरी मिर्ची ये मैं डाल देती हूँ चटनी में, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसको मैंने ढका था तो इसको मैंने मिक्स नहीं किया था। इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे और ये बहुत ही अच्छा बन गया। अंडा आप लोगों को बहुत माशाल्लाह से पसंद है, ये सालन अंडे का सालन बहुत पसंद है। आपको मैं दिखाती हूँ, करीब से भी दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा बनता है। गैस को थोड़ा सा फुल कर लेते हैं। ये वैसे जल्दी कंप्लीट हो जाता है, इसमें होते हैं कि यहाँ पर देखो मैं ये आटा जो है ना वो मैं छान रही हूँ, क्योंकि हम छान के रोटियाँ बनाते हैं इसलिए बनाते हैं, और आटे को वैसे छानना ही चाहिए। अंडे का सालन बहुत ही टेस्टी बनता है, ये अंडे का सालन है। आ जाइए, आप लोग भी खाने के लिए आ जाइए। बहुत से लोग बनाते होंगे घर में, ये हमारे घर में बहुत शौक से बनता है। उसे तो हम पहले बहुत ज़्यादा ही बनाते थे, लेकिन अब जो है वो बहुत कम बनाते हैं। गर्मी के मौसम में बहुत कम, लेकिन सर्दी के मौसम में बनाते हैं। और अंडे अंडे महंगे भी कितने हैं, और ऐसे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसको अच्छी तरह से हमने ये कर लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से इसको छान लेंगे, इसको छान लेंगे। यहाँ पर सालन होता रहेगा स्लो स्लो आंच पर, और यहाँ पर बस ये आटा छानना है। और फिर ये जो है आटा बनाएगी माँ, और फिर हमने रोटियाँ बनानी है, और फिर गरम गरम रोटियों के साथ ये सालन टेस्टी। वैसे घर की चीज़ें अच्छी होती, बाहर की चीज़ें तो बस। तो ये करती रहूँगी,